तो उस्ताद कितने गेम है? चार गेम थे, आज चौथा गेम है। अच्छा, संजीव भाई से बाहुबली हमारे बहुत खास है मेहमान हमारे दोस्तों, ये हम तुम की टीम से आए हुए हैं। शब्बू भाई आए हमारे लड़ाने जी। ये देखिए शब्बू भाई जा रहे हैं, तो शब्बू भाई लड़ाते हुए चलिए। शब्बू भाई को मदद करेंगे, उस्ताद हमारे इधर हैं। तो कौन कौन आया है उस्ताद आपके टीम से? जी, मेरे टीम के अंदर शब्बू भाई हैं, पप्पी भाई, नदीम भाई, जी, रिहान भाई जी, महबूब भाई, छह लोग आए हुए हैं। कितने गेम हो गए अभी तक? आज चौथा दिन है, तीन दिन हो चुके हमारे। तो क्या क्या रिजल्ट रहा था पहला दिन? पहला गेम हमारा कट गया था। दूसरा कार्ड दिया था हमने जहर भाई को, तीसरा भी कार्ड दिया हमने रेड रोज को। अच्छा, वाह क्या बात है। और आज चौथा गेम है बाहुबली संजीव भाई से। हम चाहते हैं कि आज आप कार्ड दें, हमें भी कार्ड दें। जो अच्छा लड़ाएगा वो काटेगा। हम तो भाई अपने मेहमान को पूरा सम्मान देंगे, हम चाहते हैं आप कार्ड दें आज भी, क्योंकि अच्छा लड़ाएगा हमारी सोच ये कहती है। अच्छा क्या, हम जानते हैं आपकी टीम बहुत तगड़ी है। आइए दोस्तों पेज की तरफ चलते हैं हम। बहुत अच्छी टीम, शुक्रिया। पीछे जगह देख लेना भाई। Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. आइए दोस्तों अब हम तीसरा पेज देखेंगे। नीचे से बढ़िया गद्दा मार के गए हैं ऊपर की तरफ से हमारे फरहान भाई, अब नीचे से पेज लेने जा रहे हैं। पतंग की रेंज बहुत अच्छी लड़ रही है, 450 मीटर की ये रेंज, एक बढ़िया रेंज। चलिए नीचे की तरफ से जगह बनाते हुए, सही बोला है ऊपर से हमारे भाई। चलिए गद्दा दिखाते हुए, दिल्ली के प्लेयर की पतंग देखिए, तेज गद, इन्होंने झोल खींचा है, फिर रोकी चलाई पतंग पूरी ताकत से खींचते जा रहे, उन्होंने बाहर की तरफ सलना खींचा है, बहुत ताकतवर पेच काटा है ये फरहान भाई ने। आए दोस्तों ऊपर से पेज फेरने जा रहे हैं हम तुम से नदीम भाई, राइट साइड वाली पतंग देखिए, सही बोल दिया है, और नीचे से फरहान भाई लगातार चौथा पेज लेते हुए। चलिए देखते हैं क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबे करके नहीं रखा है नदीम भाई ने, बराबर पे पेज लड़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, अंदर की तरफ पेज लेके जाते, उन्होंने गद्दा चल दिया है, और फरहान भाई ने भी पूरी ताकत चल दी, बढ़िया पेज काटा, सनलक का ये पेज हुआ जिसने। आए दोस्तों ऊपर से पेज फेरने जा रहे हैं हम तुम से नदीम भाई, राइट साइड वाली पतंग देखिए, सही बोल दिया है, और नीचे से फरहान भाई लगातार चौथा पेज लेते हुए। चलिए देखते हैं क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबे करके नहीं रखा है नदीम भाई ने, बराबर पे पेज लड़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, अंदर की तरफ पेज लेके जाते, उन्होंने गद्दा चल दिया है, और फरहान भाई ने भी पूरी ताकत चल दी, बढ़िया पेज काटा, सनलक का ये पेज हुआ
जिसने ताकत लगाई उसका गेम हुआ बढ़िया। फरहान भाई का लगातार ये चौथा पेज। आइए दोस्तों, पेज बिल्कुल सही है। नीचे वाली पतंग देखिए, हमारे फरहान भाई की पेज की रेंज है मेरे पास से 450 मीटर, प्लेयर के पास से 30-40 मीटर और कम। चलिए ऊपर वाली पतंग देखिए, राइट साइड वाली, ऊपर से हम तुम के मेंबर अंदर की तरफ जगह बनाते हुए हमारे फरहान भाई चार पेज लगातार काट के पतंग को चमकाया, सीधा खींचा उन्होंने, गद्दा अंदर की तरफ चलाया, फरहान भाई ने बाहर की तरफ खड़ा खींच के बढ़िया पेज लगातार काटते हुए फरहान भाई, पांचवा पेज कंप्लीट। आइए दोस्तों, फरहान भाई को रोकने के लिए आए हैं हमारे पप्पी भाई ऊपर से, और लेफ्ट साइड वाली नीचे पतंग देखिए हमारे फरहान भाई की है, पांच पेज बढ़िया काटे हैं, शानदार पेज काटे हैं। चलिए थोड़ा सा बाहर दिखाया फरहान भाई अंदर की तरफ चलते हुए, देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग थोड़ी सी हवा लेफ्ट की तरफ ही मार रही है। चलिए देखते हैं चेहरे की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि काटना है किसी हाल में, पाँच हो चुके हैं। परदेश के गेम में सात का एक वैल्यू होता है, एक प्लेयर लगातार सात काट दे तो, वहीं लोकल गेम में नौ का होता है, बाकी तय करने के ऊपर है कि आप क्या तय करें। चलिए चेहरे की तरफ बढ़ते हुए, चलिए फरहान भाई ने पतंग को चमकाया बाहर की तरफ, पूरी जान लगा के खींचा, थपक लिया है डबल पे, बढ़िया पेच काटा है हमारे पप्पी भाई ने, शानदार पप्पी ले ली फरहान भाई को। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, पट करने के लिए बोला है हमारे पप्पी भाई ने, बढ़िया पेज काटा था अभी हमारे फरहान भाई को, उसके बाद प्रशांत भाई ने क्या बेहतरीन पेज काटा। अगला पेज लेने जा रहे हैं हमारे पप्पी भाई ऊपर की तरफ से, सही बोला है प्रशांत भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड नीचे की तरफ है, पेज की रेंज है 450 से 500 मीटर, पप्पी भाई अंदर की तरफ जाते हुए जगह बनाते हुए, प्रशांत भाई भी पतंग को ऊँचा करते चले जा रहे, गद्दा दिखाया, गद्दा दिखाया, वही गद्दा भर दिया है, और ये देखिए थोड़ा पतंग में उनकी हवा ही नहीं लगी, जिस तरह से पट हुई थी पतंग आपको समझ में आया होगा, पतंग में हवा ऐसे लगी कि झोंके से लगी तो मुड्ढा इधर उधर हो गया, और वही झोल खींचते हुए चले गए पप्पी भाई का एक और शानदार गद्दा। आए दोस्तों ये पेज फेरा जा रहा है, देखिए अभी जो लेफ्ट साइड है ऊपर वाली पतंग ये हमारे समीर भाई की, और नीचे से एक बार फिर से पप्पी भाई, और ऊपर से बढ़ते हुए हमारे समीर भाई, देखिए नीचे की जगह लेते हुए हमारे पप्पी भाई, हवा थोड़ी सी बवंडर में चल रही है यानी ऊपर की तरफ हवा चल रही है, सही हो गया है पेज, सही बोल दिया है दोनों तरफ से सही है। समीर भाई पतंग को तेज हाथों से उतारते हुए, और उतनी ही तेज हाथों से बढ़ते हुए हमारे पप्पी भाई, पप्पी भाई की पतंग थोड़ी सी मुझे लगता है कि या फिर कुंडा टूटा हो सकता है अंदर की आ रही है, चलिए देखते हैं वो तो पेज अभी खींचने पर समझ में आ जाएगा। बाहर की तरफ हल्के हाथों से चलते हुए हमारे समीर भाई, चेहरे की तरफ चक्कर दे रहे हैं दोनों के दोनों खिलाड़ी, अंदर की तरफ पप्पी भाई बिल्कुल चढ़ के आते हुए, समीर भाई भी अंदर की ही तरफ मुड्ढा लेके जा रहे हैं, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, अच्छी पतंगें दिख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा पतंगों में फटाव है यानी बहुत दूर दूर हैं पतंगें, एक दूसरे के घर के अंदर हैं। चलिए अब थोड़ा सा करीब आते हुए चलिए देखते हैं, पतंग बहुत ही अच्छी लग रही है, टॉप पतंग पार की हुई है हमारे समीर भाई ने, प्लेन काली पतंग है हमारे पप्पू भाई की, पेज की रेंज है 400 मीटर, और नीचे की तरफ पेज ले रखे हैं हमारे समीर भाई, माफ़ कीजिएगा पप्पू भाई की पतंग नीचे वाली है, चलिए रखा वहाँ पे समीर भाई ने, थोड़ा सा बाहर निकाला है तो समीर भाई ने पतंग ऊंची कर ली, फिर अंदर की तरफ जगह घेरते हुए क्या क्या देखा था? सही लगी। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे करके पेच लड़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा, चलिए जगह बनाते हुए देखते हैं क्या होता है। बाहर की तरफ तेज़ गद्दा दिखाया, सीधा खींचा उन्होंने, और ये गद्दा मारा है, क्या होना है, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, पप्पू भाई हमारे पप्पी भाई की खींच शानदार है। आइए दोस्तों दुर्गेश का पेज देख रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए दुर्गेश की, पप्पू भाई की पतंग देखिए नीचे से बढ़ते हुए, नीचे वाली पतंग देखिए कोनी कराए हुए हैं, चक्कर दे रहे हैं, हिलाओ नहीं, हाथ हिलाओ नहीं, ठीक है चलिए, थोड़ी सी हवा जो है कहीं ना कहीं पतंग जो है दुर्गेश की हल्की सी है, मतलब हल्के कांप ठड्डों की है,
चलिए नीचे की जगह बनाते हुए, तिरछा कराते हुए, उतारते हुए पतंग को भी हमारे पप्पी भाई बहुत इत्मीनान से लड़ा रहे हैं। पप्पी भाई चलिए नीचे की तरफ लेके आ रहे दुर्गेश। दुर्गेश की पतंग उल्टे हाथ की तरफ देखिए, लेफ्ट साइड, जो ऊपर का मुड्ढा करके खींच रहे हैं, ऊपर ही खींचते हुए चले जा रहे हैं। और नीचे वाली जो पतंग चक्कर खा रही है, राइट साइड वाला हमारे पप्पी भाई की है। चलिए देखते हैं क्या होता है। और अंदर जगह बनाते हुए हमारे पप्पी भाई, बढ़िया मुड्ढा रखते हुए हमारे दुर्गेश रखते चले जा रहे हैं। उन्होंने भी वार का दिखाया है, ये पट मारा है तेज, वापस अंदर की तरफ जा रहे हैं। फिर से पतंग हटा ली गई है। फिर अंदर की तरफ बढ़ते हुए हमारे पप्पी भाई काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पे पीछे लड़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे। चलिए ठीक है, गद्दा रखा, चक्कर दिया, बाहर को गद्दा दिखाया, उनकी पतंग थोड़ी सी अंदर जा रही है, बाहर की तरफ तेजी खींच लिया, उनको खींच लिया है, दोनों खींचते चले जा रहे हैं। क्या होना है, बहुत अच्छा पेच काटा है, बहुत ही ताकतवर, दोनों खिंचैया कर रहे थे और फटाओ देखिए, समझ नहीं आ रहा था क्या है, पेच हो ही नहीं रहे थे, वो फ्लैट बाहर खींच रहे थे, ये गद्दा मार रहे थे, हल्की पतंग अंदर की तरफ भी जा रही थी दुर्गेश की, और अच्छा पेच तेज खींच के काटा है दुर्गेश ने। आए दोस्तों, हमारे रेहान भाई पेच लेने आए हैं और ऊपर से गद्दा मार के गए थे हमारे दुर्गेश। पट करने के लिए बोला जा रहा, पट मतलब होता है नीचे करना, ये सारे वर्ड्स भी सीखना है, नीचे करना। ध्यान से देखेंगे, दुर्गेश की पतंग लेफ्ट साइड वाली पतंग को चलाया, अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, पेस सही है, बिल्कुल सही है, तेज हाथों से तिरछा कराते हुए चेहरे की तरफ बढ़ते हुए हमारे रेहान भाई की पतंग देखेंगे, राइट साइड वाली थोड़ा सा बढ़ भी है रेहान भाई की पतंग, और ज़्यादा तिरछा कराते हुए, क्या करना है, कहीं कन्ना ना कटा ले दुर्गेश, ये भी ध्यान देना है। हवा तोड़ के अंदर की तरफ जाते हुए ये खतरा हो सकता है। चलिए रेहान भाई भी पतंग को अपने संभाले हुए हैं, ऊंचा मुड्ढा किया यार, ए जब मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा तो बोलना नहीं, आवाज आती है ना। चलिए तेज हाथों से दिखाते हुए दुर्गेश की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली अंदर की तरफ लेके जाते हुए उन्होंने मुड्ढा चलाया, घुमा रहे पतंग को, हमारे रेहान भाई पतंग को घुमा रहे, ये गद्दा दिखाया है, थोड़ा सा क्रॉस बाहर निकाला चपटे पे, ये गद्दा चला है, और दुर्गेश ने भी पूरी जान लगाई है यहाँ पे, जान लगी है दुर्गेश की, कहीं ना कहीं मुड्ढा जो था मुझे आखिरी में लगा दुर्गेश का अंदर आया, या फिर देखना होगा ये चीज़ कि क्या हुआ, हवे की वजह से आया, लेकिन कुल मिला के बढ़िया तेज खींचा है हमारे दुर्गेश ने। आइए दोस्तों ये पेज समझते हैं, रवि की पतंग देखिए लेफ्ट साइड है और राइट साइड हमारे हैं पप्पी भाई, चलिए खतरनाक पप्पी भाई, रवि ने पतंग को ऊंचा किया, हटाया, फिर से अंदर की तरफ जगह बनाते हुए हमारे पप्पी भाई, फिर अंदर की तरफ आते हुए रवि, चलिए देखते हैं अंदर की तरफ, हल्के हाथों से पप्पी भाई बढ़ते हुए देखते हैं क्या होता है। चलिए रवि ने गद्दा दिखाया है, नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, चक्कर दिया, बाहर की तरफ निकाल रहे रवि की पतंग लेफ्ट साइड बाहुबली से, पतंगों की दूरी कम होती हुई, चलिए देखते हैं और अंदर की तरफ बढ़ते हुए रवि, चलिए रखा मुड्ढा, उन्होंने थोड़ा सा पट किया, बाहर की तरफ तेज रवि ने दिखाया है, गद्दा दिखाया है, अंदर की तरफ तेज मार रहे, वो भी पट लेके चले जा रहे हैं और वो कटे अंदर की, जैसे ही घूमी पतंग हमारे पप्पी भाई की वैसे ही कट गए, बढ़िया पेच काटा है ये हमारे पप्पी भाई ने। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं एक बार फिर से पप्पी भाई का, यश पेज ले रहे हैं मेरे ख्याल से, देखते हैं यश पेज ले रहे हैं ऊपर का, आइए ध्यान से समझना है, और पप्पी भाई की देखिए मांझा देखिए जाता हुआ मेरे बगल से ही, चलिए देखते हैं, रखा यहाँ पे यश ने अंदर की तरफ उतारते हुए, मैं बिल्कुल आगे आके खड़ा हूँ, थोड़ा सा पप्पी भाई ने बाहर निकाला, यश ने भी मांझे करीब किया, आप हटाई पतंग, पप्पी भाई तेज हाथों से ऊपर किया, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से है, चलिए मांझे करीब रखा, ये देखते हैं क्या हुआ, और ये देखिए कहीं ना कहीं पतंग रगड़ गई, डबल हो गई थी एक तरह से, और बढ़िया पेच पप्पी भाई ने अपने एक्सपीरियंस से काटा, थोड़ा बाहर का कुंडा टूटा हुआ है कहीं ना कहीं हमारे पप्पी भाई की पतंग का, देखिए पतंग गिर रही है जब वो बाहर खींच रहे हैं, चलिए देखते हैं, ये ले जाके रखा सौरभ ने, चलिए थोड़ा सा बाहर निकाला यहाँ पे,
सौरभ ने चक्कर दिया, थोड़ा सा और बाहर की तरफ करीब किया है सौरभ ने, अंदर की तरफ बढ़ते हुए पप्पी भाई, सौरभ भी अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। काफी ज्यादा घट पे ये पेच होते हुए, 300 मीटर पे ये पेच हो रहे हैं। थोड़ा सा सौरभ ने डोर को छोड़ा, अब अंदर की तरफ उतर रहे हैं। पप्पी भाई ने एक ही जगह पतंग को रखा है, थोड़ी सी कुंडी टूटी है उनकी, चलिए देखते हैं। ये रखा बाहर की तरफ सौरभ ने, गद्दा चला है, अब उन्होंने पट मारा है, बहुत तेज खींचते चले जा रहे, बढ़िया पेच काटा है यहाँ पे सौरभ ने और तुरंत पतंग अपनी उठाई, बहुत ही शानदार ये गद्दा पड़ा है सौरभ की तरफ से। ये रहे सौरभ, आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं। नीचे की तरफ से हमारे अमित भाई आ रहे हैं और ऊपर से नदीम भाई हैं। चलिए नीचे की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली बाहुबली के बहुत ही बढ़िया और ओल्ड मेंबर्स में एक। सही है सही है सही है, पेस सही है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारे अमित भाई के, अंदर की तरफ से बढ़ते हुए और थोड़ा बाहर अब निकाल रहे हैं, थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है देखते क्या है। अमित भाई की पतंग देखिए, वो चेहरे की तरफ से बढ़ते हुए, चेहरे पे ले जाते हुए हमारे नदीम भाई ऊपर से हैं दिल्ली की टीम से, थोड़ा सा बाहर निकाला। चलिए अब गद्दा रख दिया है वहीं पे, बाहर की तरफ तेज गद्दा मारा है, देखना है क्या होता, पतंग घूम के सीधी हो गई है, कहीं ना कहीं पतंग जो है अंदर की है हमारे अमित भाई की और इसी का फायदा मिला है, बढ़िया तेज खींचा था अमित भाई ने और अंदर की पतंग आई। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। नीचे की तरफ से देखिए गोलू भाई हैं, ऊपर से रखते हुए हमारे पप्पी भाई, चलिए देखिए गद्दा बाहर की तरफ दिखाया, गोलू भाई ने थोड़ा सा नीचे किया, उन्होंने गद्दा रोका, फिर से पूरा गद्दा वही भर दिया है, गोलू भाई चक्कर दे रहा, बाहर की तरफ तिरछा खींचा है, बहुत तेज चपटा खींचा बाहर, बहुत अच्छा पेज काटा है यहाँ पे गोलू भाई ने, मैंने तिरछा बोल दिया। आइए दोस्तों गोलू भाई ने पिछला थोड़ा सा गड़बड़ पेज बना था, लेकिन दिखा था बिल्कुल सनलक चपटा बाहर खींच दिया था, पूरा गद्दा उतारा था हमारे पप्पी भाई ने। चलिए थोड़ी सी पतंग देखिए खराब है, ऊपर वाली पतंग देखिए सीधे हाथ को जैसे किसे, ये देखिए बाहर की तरफ गिर रही है और गोलू भाई अंदर की तरफ जगह बनाते हुए लेफ्ट साइड वाली नीचे से, चलिए उन्होंने गद्दा रखा बिल्कुल पास में गद्दा रखा और ये देखिए झोल काटा है गोलू भाई का, कोई जवाब नहीं, जैसे ही करीब कर रहे थे और तुरंत पहल करके बाहर चपटा फिर से खींचा, फिर अच्छा पेच काटा है। आए दोस्तों इस पेज को समझते हैं, नीचे से एक बार फिर से गोलू भाई अपना तीसरा पेज लेते हुए, सही बोल दिया है, सही है। चलिए ऊपर से शब्बू भाई हैं, ये दिल्ली से हम तुम वाले शब्बू भाई हैं और नीचे की तरफ से तेज हाथों से जगह बनाते हुए, देखिए उल्टी साइड वाली जो पतंग है ये हमारे गोलू भाई के और अंदर की तरफ आते हुए, जब हम अपोनेंट की तरफ बढ़ेंगे तो उसे अंदर कहेंगे। चलिए सीधा खींचा है, दिखाया उन्होंने गद्दा हल्के हल्के लेके, चले पूरी तान लगाई है, पूरी जान लगाते हुए खींचते चले जा रहे, वो उनका भी गद्दा पूरा जा रहा है लेकिन ताकत लगाई है गोलू भाई ने, बहुत ही ज्यादा तेज खींच रहे हैं, कोई तोड़ नहीं, ये खींच का पेज था, खींच में आगे रहे गोलू भाई। आए दोस्तों गोलू भाई का लगातार चौथा पेज देखेंगे, रेहान भाई की पतंग देखिए ऊपर है और गोलू भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली है, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं रेहान भाई ऊपर के हाथ से बढ़ते हुए, राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर दिल्ली हम तुम रेहान भाई, चलिए ठीक है बाहर की तरफ दिखाया है रेहान भाई ने, गोलू भाई देखिए अपनी जगह कैसे बदल रहे थे। चलिए आइए, चलिए गोलू भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली है, आराम से देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल अंदर की तरफ तेज हाथों से बढ़ते हुए, गोलू भाई बहुत तेज हाथों से बढ़ते हुए पतंग को चला रहे हैं और अंदर की तरफ बढ़ते हुए, चलिए गद्दा रखा है यहाँ पे रेहान भाई ने, थोड़ा सा बाहर दिखाया, तेज हाथों से पतंग को चला रहे हैं और ये देखिए पतंग टूट गई उनकी, पतंग टूट गई है, पेच मिल गया है रेहान भाई। आइए दोस्तों पेच देखते हैं एक बार फिर से रेहान भाई का, ऊपर से देख लूं कौन लड़ा रहा है, सौरभ है, चलिए सौरभ के बढ़िया गद्दे उतर रहे हैं अंदर की तरफ जगह बनाते हुए, देखिए ध्यान से सौरभ की पतंग लेफ्ट साइड अब अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, हल्के हल्के हाथों से चलते हैं सौरभ, लेकिन जब खींचते हैं तो बिल्कुल गर्जने की तरह खींचते हैं। चलिए रेहान भाई ने बढ़िया पेच काटा, नहीं था हालांकि वो तो टूट गई थी, चलिए ठीक है देखते हैं, थोड़ा सा कम करते हुए सौरभ अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, पेच की रेंज है 300 मीटर, थोड़ी हवा कम हुई है तो पेज की रेंज भी थोड़ी सी कम हो गई है,
लेकिन ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए पतंग के चेहरे की तरफ बढ़ते हुए बीचों बीच रखा, उन्होंने तेज दिखाया है, तेज गद्दा मारा है, बहुत तेज मारते चले जा रहे, बहुत जानदार, बहुत शानदार। इसे कहते हैं डोर का अंदाज़ा। आपको डोर का अंदाज़ा रहेगा तो इत्मीनान से गद्दे मारेंगे। बिल्कुल तेज खींचा था, चपटा बाहर, सौरभ ने इंतज़ार किया, एक बल लिया और वहीं गद्दा स्ट्रेट मार दिया। शानदार ये पेच सौरभ का। छम्मा भाई ये पतंग देखिए, आपकी राइट साइड है, लेफ्ट साइड से तेज हाथों से पतंग को ऊंचा किया, इन्होंने डबल कराया और फरहान भाई ने देखिए और ज़्यादा कंटी फंसा ली है, अब चक्कर दे रहे ऊपर वाली पतंग हमारे छम्मा भाई की, बढ़िया डबल करा के फंसाया हुआ है छम्मा भाई ने, देखते हैं। लेकिन पेच है नहीं, जी हाँ जिस तरह मुझे लग रहा पेच नहीं है। चलिए अंदर की तरफ से तेज हाथों से नीचे नीचे बढ़ेंगे, एक बार फिर से फरहान भाई ऊपर से आते हुए देखिए बीचों बीच रखा है छम्मा भाई ने। चलिए फरहान भाई बहुत ही ज़्यादा तेज खींचते हैं तो वहीं छम्मा भाई तेज फंसाने में है, देखिए अंदर की तरफ चल रहे हैं और ये लादते चले जा रहे हैं छम्मा भाई, कहीं रगड़ ना जाए, वापस अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं झोल काटने के चक्कर में, यहाँ रगड़ सकती है पतंग वो देखिए, जैसे ही मैंने कहा रगड़ सकती है, खुद ही जैसे अंदर की तरफ मोड़ के झोल काटना चाह रहे थे वहीं पे पतंग रगड़ गई, भारी भरकम छम्मा भाई पतंग लिए हुए हैं। शानदार ये पेच काटा है छम्मा भाई ने। आए दोस्तों दुर्गेश वर्सेस हमारे पप्पी भाई, चलिए तेज हाथों से अंदर की तरफ बढ़ते हुए पप्पी भाई, थोड़ी सी पतंग उनके अंदर की तरफ, सही है पेच सही है, चलिए तेज खींचा है दुर्गेश ने भी, गत्ता मारा है, तेज खींचते चले जा रहे, वो झटक रहे, क्या होना है, आखिरी में पेच कटे हैं हमारे दुर्गेश, बढ़िया पेच, ताकतवर ये खींच और थपकी का पेच हुआ, शानदार पेच काटा है हमारे पप्पी भाई ने। आए दोस्तों इस पेच को समझते एक बार फिर से, पप्पी भाई हमारे नीचे की तरफ से आते हुए पतंग को लेके, देखिए राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से रवि की पतंग है, चलिए ठीक है, बाहर की तरफ हल्के हाथों से रवि दिखाते जा रहे हैं, राइट वाली पतंग देखिए, माफ़ कीजिए लेफ्ट साइड वाली, बाहर को तेज गद्दा दिखाया, उन्होंने भी आर पार की है, पूरी खींच गए हैं, रवि भी खींचते चले जा रहे हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा कुंडा उनका टूटा हुआ है कहीं ना कहीं पतंग का, तो एक लाम बनाते हुए पतंग गिरती चली गई और पतंग भारी होती चली गई, जिसकी वजह से कट गया। डबल करके ऊपर मुड्ढा लेके थपक लेते या तेज़ खींच देते डबल पे, या अंदर कोई रुख मारते, बल बदल के ये ताकत का गेम दोनों ने खेल दिया, बढ़िया पेच काटते हुए पप्पी भाई। जल्दी से एक बार फिर से देखते हैं पेच, राइट साइड वाली पतंग देखिए हमारे पप्पी भाई के अंदर से बढ़ते हुए, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है बाहुबली के मेंबर की, देखते हैं कौन है, फिलहाल ये पहले पेच देखते हैं बाहर की तरफ, बाहुबली के मेंबर तेज हाथों से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, चलिए दिखाया है बाहर, पप्पी भाई ने पूरा खींचते चले जा रहे हैं, उन्होंने गद्दा मारा लेकिन कोई फायदा नहीं है, चपटा मुड्ढा खींच रहे हैं, बढ़िया ताकत से पप्पी भाई खींचते हुए, जानदार शानदार पेच है, सही हो गया है। आइए दोस्तों लगातार हमारे पप्पी भाई तीन से चार पतंग काट चुके हैं, मेरे ख्याल से चौथी पतंग ये लड़ रही है, लगातार पप्पी भाई हम तुम की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से प्रशांत भाई हैं, चलिए देखते हैं क्या करते हैं, ये डबल करा लेते हैं, प्रशांत भाई की एक स्पेशलिटी है ये, अंदर की तरफ से पप्पी भाई बढ़ते हुए थोड़ा सा बाहर निकाला और अंदर की तरफ जाते हुए तो प्रशांत भाई भी चेहरे की तरफ आते हुए, चलिए देखते हैं अब क्या होता है, जगह बनाते हुए लगातार और कोनी कराई, अब क्या करेंगे देखते हैं, चक्कर लिया और कोनी कराई और अंदर की तरफ आते हुए प्रशांत भाई ऊंचा मुड्ढा करके हटा रहे हैं पतंग को, देखते हैं पतंग को चक्कर देना होगा प्रशांत भाई को, ये देखिए चक्कर दिया बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, पप्पी भाई बढ़ते चले जा रहे हैं, देखिए कहीं चेहरा ना आ जाए, ये ध्यान रखना है पप्पी भाई की पतंग ऐसे चेहरे से ना लांग ले तो पप्पी भाई को दिक्कत आ जाएगी, चलिए तुरंत नीचे किया और अंदर की तरफ जगह बनाते हुए प्रशांत भाई भी पतंग को बाहर निकालते हुए, ये देखिए जल्दी से निकाला, प्रशांत भाई जाने देंगे क्या, नहीं जाने देंगे, हटाया, चलिए ठीक है पतंग अभी बिल्कुल सही है, पेच बिल्कुल सही है, जगह बनाया, जल्दी से खींचेंगे बाहर की तरफ पूरा सनलग, ठीक है बिल्कुल सही जगह है, और ये देखिए रोक रोक के खींच रहे थे तो प्रशांत भाई ने भी रोका, जैसे ही देखा कि प्रशांत भाई रुके पूरा सनलग बाहर खींच लिया, बढ़िया पेच काटते हुए पप्पी भाई। ये देखिए दोस्तों छम्मा भाई हमारे पेच ले रहे हैं फरहान भाई से, एक बार फरहान भाई को काट चुके, बहुत अच्छा पेच काट दिया था फरहान भाई को, आइए पेच की तरफ, छम्मा भाई की पतंग देखिए ऊपर है इस टाइम, ब्लर होता रहता है, चलिए सही बोला है, फरहान भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड है, तेज खींचते चले जा रहे, तुरंत जैसे ही सही हुआ तुरंत पतंग को ऊंचा किया है, ये लेके गए और लेके चले जा रहे, फंसाना फिर से चाह रहे हैं,
फरहान भाई को, फरहान भाई पट कर रहे हैं, वो लातने की कोशिश कर रहे हैं, तेज हाथों से हटा लिया पतंग को। फरहान भाई की पतंग जो है नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ फिर से बढ़ते हुए फरहान भाई चेहरे की तरफ आते हुए। शम्मा भाई हमारे बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर, चलिए ठीक है ये ले जाके लाता। फरहान भाई ने तेज हाथों से बिल्कुल मौका नहीं दिया इस बार, बिल्कुल मौका नहीं दिया, जो वो करना चाहते थे पिछले पेच में किया था जैसे को तैसा फरहान भाई ने शम्मा भाई को शानदार तेज बाहर खींच के काटा। आए दोस्तों पप्पी भाई का पेस देखते हैं, सबसे शानदार खिलाड़ी अभी तक साबित हुए हम तुम की तरफ से, ऊपर का पेच फेरते हुए नीचे से यश। चलिए पेच की रेंज है 400 मीटर से थोड़ा सा कम, देखिए पप्पी भाई मेरे बगल में यहाँ खड़े हुए, ठीक है नीचे से यश बढ़ते हुए। चलिए ठीक है रखा बीचों बीच रखा है पप्पी भाई ने, ठीक है थोड़ा सा बाहर निकाला, यश ने भी ऊंचा किया थोड़ा सा करीब करते हुए, यश अंदर की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे, पप्पी भाई भी अंदर बढ़ रहे हैं, अब बाहर निकाल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ठीक है, बाहर की तरफ हल्के से गद्दा उतारा है, करीब किया पतंग को उन्होंने क्रॉस पे, बाहर निकाला थोड़ा सा, चलिए गद्दा बनाया, यही गद्दा चलना होगा, यही गद्दा चला, उन्होंने भी बाहर की तरफ तेज खींचा, क्या होना है, बहुत जानदार शानदार खिलाड़ी। और जरा हमारे पप्पी भाई को एक पप्पी दे दीजिए पप्पी भाई। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, राइट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से है हमारे भाई की, देखिए ये भाई हमारे खड़े हैं नीचे की से पेज ले रहे हैं, और आसमान देखिए कैसा काला काला हो गया है, ऊपर से पेज लेने आए हमारे सौरभ, हर बार गद्दे सफल हुए इनके। चलिए थोड़ा सा बाहर दिखाया, सौरभ ने पतंग को करीब किया, करीब किया, उन्होंने बाहर की तरफ चपटा खींचा है, सौरभ ने कभी करीब लिया, अब ये गद्दा मारा उनकी पतंग बाहर, सौरभ थपक रहे थपक रहे थपक के चले जा रहे, बहुत उंदा पेच काटते हुए सौरभ, आज एक भी गद्दा इनका मिस नहीं हो रहा है, बढ़िया पेच काटा है सौरभ ने, एक नंबर पेच काटा है, थपक लिया था नीचे की तरफ, वाह। वो देखिए बच्चों का हुजूम खड़ा हुआ है, ऊपर पेच चल रहे हैं और नीचे देखिए रेडी हैं वो लोग लंगड़ मारने के लिए। नहीं नहीं एनसीसी से लगा हुआ जो है घर, जहां शीशा लगा था, दो शीशे लगे होंगे देखे होंगे आप। हम कह रहे काला कलर का भैया, काला काला है, बड़ा घर है, पुराना सा लग रहा होगा, बड़ा घर है और एनसीसी की दीवार से लगा घर है भैया, पहला गेट है ना, वहाँ जनरेटर भी है बगल में ही, बस अब उस गेट को खटखटा दीजिए। ऊपर से देखिए दोस्तों हमारे पप्पी भाई हैं, और नीचे की तरफ से दुर्गेश, चलिए रखा चेहरे की तरफ रखते हुए गद्दा दिखाया, दुर्गेश ने थोड़ा सा खाली कराया, खींचा है तेज ताकत से, बहुत तेज गद्दा बिल्कुल बना के मारा है पप्पी भाई ने, शानदार ये पेच काटा है, ये देखिए पप्पी भाई हमारे, सौरभ का पेच चल रहा है, सौरभ का पेच चल रहा है, ऊपर वाली पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली सही है, अंदर की तरफ तेज हाथों से बढ़ते हुए, चलिए दिल्ली के प्लेयर हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे, चलिए बीचों बीच रखा सौरभ ने, सीधा सीधा खींच रहे, सौरभ ने बाहर को गद्दा तेज दिखाया है, क्या होना है खींचते चले जा रहे, वो काटा, बढ़िया पेच गद्दा, पूरा पूरा गद्दा मारा, खड़ा खींच रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं, और बहुत ही ज्यादा डोरों से कटी है ये पतंग, पूरा सनलक गद्दा, वो सनलक खींच रहे थे खड़ा, ताकत लगा दिया है सौरभ ने, बिना कटे लगातार गद्दा मारे पड़े हैं। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, नीचे की तरफ से हमारे रेहान भाई हैं, पेज को कम कराते हुए ऊपर से गद्दा मारने के लिए जगह बना रहे हैं, वो बाहर निकालते हुए चले जा रहे थे, चलिए देखते हैं, मेरे ख्याल से सौरभ ही आए होंगे, जरा पीछे पलट के देखता हूँ, सौरभ ही हैं, लगातार बिना कटे सौरभ काटे पड़े हैं, गद्दे मारे पड़े हैं और अपनी टीम को चांस दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम होता है ये, बहुत ही बड़ा काम होता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अभी 3:30 बज रहे होंगे और टिकट जो है बाहुबली के पास है। चलिए गद्दा रखते हुए बाहुबली के सौरभ बीचों बीच रखा है, रेहान भाई पेच ले रहे हैं, ईमानदार पतंग है उनकी,
थोड़ा सा बाहर निकाला, चलिए फिर से ले जाके रखा, थोड़ा सा करीब किया सौरभ ने, वो भी करीब करते हुए चले जा रहे हैं, चक्कर लिया है, गद्दा मारा, उन्होंने पतंग अंदर दिखाई, सौरभ थपक रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अल्टीमेट पेच काट दिया है ये, बहुत अच्छा, रेहान भाई ने भी कोशिश की थी अंदर खड़ा दिखा देने की, लेकिन जैसे ही देखा अंदर खड़ा दिखा रहे, पूरी ताकत से थपक दिया मुड्ढे पे ही नीचे वाले, शानदार जानदार पेच ऑफ द मैच काटा है ये सौरभ ने। आइए दोस्तों ये पेस देखते हैं, फरहान भाई, मैंने कहा कि जो गद्दा मार के चांस देता है टीम को, सबसे बड़ा काम करता है, और आज बाहुबली के लिए सौरभ यही करते हुए लगातार 5 से 6 गद्दे मार चुके हैं, टीम को चांस दे रहे हैं और टीम भी अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई। चलिए नीचे की जगह बनाते हुए फरहान भाई इस बार आए हैं, काफ़ी देर बाद फरहान भाई ने कमान संभाली, देखते हैं क्या होता है, अंदर की तरफ जगह बनाते हुए ऊपर से हमारे पप्पी भाई आज ऊपर नीचे हर तरफ से पेच ले रहे हैं, जगह बनाते हुए पप्पी भाई पतंग को कम करते हुए आ रहे हैं, हाथ की तरफ कम करते जा रहे हैं, पतंग को उतारते जा रहे हैं, फरहान भाई भी मुड्ढा ऊपर करते चले जा रहे हैं। चलिए ये गद्दा रखा, फरहान भाई ने अंदर दिखाया, उन्होंने एक गद्दा बनाया बाहर की तरफ, डोर छोड़ा, मारते चले जा रहे हैं, क्या करना है, वो देखिए लैंड हो गए हमारे पप्पी भाई, सिर्फ पतंग को चलाते चले गए फरहान भाई, और उनका मुड्ढा अंदर उतरता चला गया और पतंग को चलाते चले गए, चली गई हमारी पप्पी भाई की पतंग, अच्छा पेच काटा फरहान भाई ने। आइए दोस्तों इस पेच को समझते हैं, चलिए उतरते हुए ऊपर से हमारे शब्बू भाई दिल्ली के हम तुम से, राइट वाली पतंग देखिए राइट साइड, यह है ऊपर से, और नीचे से पतंग को ऊंचा करते हुए फरहान भाई, बिल्कुल ऊंचा करके दिया है, क्या करेंगे फरहान भाई, क्या खींच जाएंगे क्या। चलिए उन्होंने गद्दा दिखाया, ये तो शब्बू भाई टेंशन में फंस गए हैं, थपक रहे हैं, वो देखिए मैंने कहा टेंशन में फंसे और कटे, बढ़िया पेस थपक के बाहर थपक के मार दिया है, खुद ही जाके कहीं ना कहीं फंस गए थे, या फरहान भाई ने जल्दी से पतंग ऊंचा करके फंसा लिया था सामने वाले प्लेयर को, और वो जा रही है उनकी पतंग। आइए दोस्तों नदीम भाई की पतंग देखिए, थोड़ी सी राइट साइड नीचे की तरफ से है, थोड़ा सा बाहर निकालते हुए, चलिए ऊपर की तरफ से लाते हुए देखना पड़ेगा कौन है, वैसे तो ऊपर से सौरभ ही गद्दे मार रहे हैं फिलहाल, इस बार देखते हैं, चलिए मिला के गद्दा चला है, रोकी पतंग पूरा नीचे गद्दा मारा उन्होंने, जैसे ही मुड्ढा ऊपर किया गद्दा पड़ा, बहुत शानदार सौरभ का, जानदार और शानदार, बिना कटे काटे पड़े हैं लगातार 6-7 पेज ऊपर से ही काट दिया है, लगातार नहीं मतलब रोक रोक के सबको चांस देते हुए। आइए दोस्तों एक बार फिर से पेज देखेंगे हम अपने पप्पी भाई का, इससे पिछला पेज भी गद्दा मारा है सौरभ ने, इस बार गोलू भाई चांस लेने गए हैं, थोड़े रेंज में ये पेच होते हुए लगभग 450 मीटर, और ये देखिए पप्पी भाई यहाँ पे एक तरफ से कमान संभाले हुए हम तुम की तरफ से। आइए पेज को देखते हैं, नीचे की जगह बनाते हुए गोलू भाई, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए गोलू भाई की, चक्कर दिया है बिल्कुल बीचों बीच ले जाके रखा है हमारे पप्पी भाई ने, शानदार खिलाड़ी हम तुम की तरफ से दिल्ली के ये खिलाड़ी। चलिए और जगह बनाते हुए क्या करना है, तेज चलाया है बहुत देर बाद गोलू भाई पेच लेने आए हैं, चलिए और अंदर की तरफ से पप्पी भाई गर्दन की तरफ चलते हुए, चलिए देखते हैं ये गद्दा खतरनाक हो सकता, पूरी जान लगा खींचा, और ये देखिए जैसे ही पप्पी भाई ने कोशिश की थी गद्दा भरने के लिए, गोलू भाई ने चढ़ के ये लड़ाया और चढ़ के गद्दा मार रहे थे हमारे पप्पी भाई, लेकिन गद्दा उतरने से पहले खींच गए चपटा बाहर की तरफ, शानदार पेच काटा गोलू भाई ने। नदीम भाई पेच लेने जा रहे हैं ऊपर के यहाँ से, नीचे की तरफ से गोलू भाई ने अभी चपटा बाहर खींचा है बहुत शानदार हमारे पप्पी भाई को। आइए अगला पेच देखते हैं, ये देखिए पेच हो रहे हैं, पेच की रेंज है 450 मीटर से ज़्यादा, चलिए काफ़ी ज़्यादा रेंज में उसके अलावा भी रख रखा है नदीम भाई की पतंग, मुझे 450 लग रही है उनकी, तो और ज़्यादा 30-40 मीटर लंबे कर रखे हैं। चलिए नदीम भाई बीचों बीच गद्दा उतारते हुए, ठीक है अंदर की तरफ से तेज हाथों से बढ़ते हुए सही हो गया है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए गोलू भाई की पतंग है, नीचे से है वो अंदर बढ़ रहे हैं, ये बाहर की तरफ गद्दा दिखा रहे हैं, रोकी बीचों बीच रखा है,
उन्होंने सलग दिखाया, गद्दा मारा, ये अंदर की तरफ खींच रहे, बहुत तेज खींचते चले जा रहे, बहुत अल्टीमेट पेच काटा है यहाँ पे गोलू भाई ने, एक और गोलू उस्ताद का शानदार पेच। आइए दोस्तों, दिल्ली की तरफ से एक और बेहतरीन खिलाड़ी हमारे शब्बू भाई, हम तुमसे ऊपर का पेच लेते हुए गोलू भाई। सही बोला है, देखिए हमारे शब्बू भाई यहीं खड़े हुए हैं मेरे बगल में, ऊपर के हाथ से पेच फेरते हुए, और गोलू भाई वो देखिए खड़े हुए हैं ब्लू जीन्स में ब्लैक टी शर्ट। आइए नीचे का पेच ले रहे हैं, पेच की रेंज है 450 मीटर। जैसे अंदर की तरफ लेके जाते हैं गोलू भाई, खींचते हुए पतंग को उठाते हैं, ऊपर करते हैं, ऊंचा करते चले जा रहे हैं, ऊंचा करते हुए चले जा रहे हैं। चलिए चक्कर दिया शब्बू भाई, और अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, गोलू भाई ने बिल्कुल ऊंचा करके रखा हुआ है पतंग को, और बाहर निकाला। चलिए चक्कर दिया शब्बू भाई ने, और हवा को तोड़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है, और अंदर की तरफ। अब गोलू भाई नीचे की तरफ से अंदर आते हुए, चलिए शब्बू भाई थोड़े थोड़े धीरे धीरे हाथों से नीचे करते हुए पतंग को ज़मीन की ओर। चलिए गद्दा दिखाया है, उन्होंने भी बाहर की तरफ दिखाया, चलिए चपटा बाहर खींचा है, वो अंदर की तरफ तेज खींच रहे हैं, क्या उन्हें, बहुत तगड़ा, बहुत लाजवाब गोलू उस्ताद हमारे। जैसे ही देखा बाहर को, गद्दा पूरा संलग चल दिया, चक्कर लिया और अंदर ही रुख दिखाया है, शानदार ये पेच काटते हुए। वो तो है ही है। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं, गोलू भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड है, ऊपर से हमारे भाई दिल्ली से, हम तुम के हैं, क्या नाम है भैया का, क्या नाम है, महबूब भाई हैं। चलिए महबूब भाई रोकेंगे कि नहीं, 4-5 पतंगे काट चुके हैं गोलू भाई लगातार, और बहुत ही अल्टीमेट पेज काटे हैं, कोई भी नॉर्मल पेज नहीं। चलिए ऊंचा करते हुए महबूब भाई पतंग को बाहर दिखा रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा पट किया, गोलू भाई की पतंग लेफ्ट साइड वाली है, ध्यान से देखेंगे बाहुबली, ये बाहर की तरफ निकालते हुए महबूब भाई, उन्होंने फिर पट किया, थोड़ा सा खाली करा करा के ज़मीन की तरफ लेके आ रहे हैं, ऊंचा किया है महबूब भाई ने, थोड़ी सी पतंग महबूब भाई की मुझे अंदर की तरफ लग रही है, और गोलू भाई की भी पतंग सीधी है। चलिए ठीक है, ठीक है, अंदर की तरफ बढ़ते हुए गोलू भाई तेज हाथों से अंदर बढ़ते हुए, देखिए पतंग थोड़ी सी जो है अंदर की लग रही है मुझे, हालांकि ऊपर के हाथ से लड़ा रहे हैं तो चलेगा। चलिए ऊंचा करते हुए, चलिए देखते हैं क्या होता है, पतंग को तेज तेज चला रहे हैं, क्या होना है, और चलाया, खींचा, दोनों खींचेंगे, अब डबल पे खींचना होगा, पूरी जान लगानी होगी, उनकी पतंग अंदर की तरफ आएगी, देखना है क्या होता है, और ये काटा है हमारे गोलू उस्ताद ने फिर से, पावर जान ताकत लगानी थी इस पेज पे। आइए दोस्तों पेज को फेर रहे हैं इस बार पप्पी भाई, ऊपर वाली पतंग देखिए पप्पी भाई की, और नीचे से गोलू भाई लगातार 5 पेज काट चुके हैं, मुझे अभी पता चला है, सही बोल दिया गया है। देखते हैं पप्पी भाई लगातार सारे प्लेयरों को रोकते हुए, चलिए देखते हैं, लगातार अंदर की तरफ से गोलू भाई बढ़ते हुए, देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग गोलू भाई नीचे से हैं बाहुबली से हमारी टीम, 11 से 12 पर्चे अभी बाहुबली के पास है, बहुत मजबूत टीम हमारी हम तुम की, हालांकि आज हाथ चले हैं बाहुबली के सारे मेंबर्स की के। चलिए नीचे की तरफ अब लाते हुए हमारे पप्पी भाई यहाँ आते हैं, अंदर की तरफ बढ़ते हुए पप्पी भाई, तो गोलू भाई ने भी बाहर पतंग निकाली हल्की सी, फिर अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है, पप्पी भाई अंदर की तरफ उतरते हुए, गोलू भाई तेज हाथों से पतंग को बाहर निकालते हुए, पप्पी भाई कहीं ना कहीं अपनी पतंग को कम करके लेके आके गद्दा मारना चाहते, बिल्कुल वही करना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या होता, और कम करके लाएं, चलिए हाथ की तरफ बिल्कुल, देखते हैं गोलू भाई अब अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, तेज हाथों से अंदर खींच रहे हैं, पप्पी भाई अंदर बढ़े, देखना है क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। अब जैसे मैं पोजीशन बता चुका हूँ, दोनों ही के खिलाड़ी अपने अपने सामने आ चुके हैं, यानी कोई भी आगे पीछे नहीं है, जबकि मुझे लग रहा है कि पप्पी भाई ही आगे निकल चुके हैं और गोलू भाई नीचे से पीछे आ गए हैं ऐसा लग रहा है, और अंदर की तरफ बढ़ते हुए हमारे पप्पी भाई, देखते हैं, बिल्कुल रखा, चलिए ठीक है ये रखा, और ये देखिए बराबर हो गई थी, हालांकि पप्पी भाई की पतंग कट गई, लेकिन उसी मुद्दे पे गोलू भाई की भी पतंग टूटी है जैसे उठा रहे थे, और ये बराबर हुआ, कहीं ना कहीं हमारे पप्पी भाई लगातार रोकते हुए सामने वाले को, जबरदस्त पप्पी भाई। आइए दोस्तों बहुत देर बाद यश पेश लेने आए नीचे के
के पेज से, और बहुत अच्छा हमारे पप्पी भाई ने एक बार फिर से रोका है बाहुबली के प्लेयर को। चलिए ऊपर से रखते हुए राइट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से बाहर को गद्दा दिखाया है पप्पी भाई ने, उन्होंने थोड़ा पट किया, थोड़ी हवा कम लग रही है, ऐसा लग रहा है यश की पतंग में। अंदर की तरफ बढ़ते हुए हमारे पप्पी भाई, देखना होगा ध्यान से जगह वगैरह सब की नॉलेज बहुत ज़्यादा हमारे पप्पी भाई को। होगा ध्यान से जगह वगैरह सब की नॉलेज बहुत ज़्यादा हमारे पप्पी भाई को। बिल्कुल बराबर में यश के खड़े मुझे जहाँ से दिख रहा है, थोड़ा सा यश को इस पे ध्यान देना होगा, लेकिन खैर चलिए ठीक है। अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं यश, थोड़ा सा कम करते हुए पप्पी भाई कहीं ना कहीं देखिए काफ़ी मुझे लग रहा 40 से 50 मीटर पप्पी भाई की पतंग कम है। चलिए ये लादा, उन्होंने पट किया और लादा अंदर के हाथ, ठीक है तेज दिखाया ऊपर, ये लेके गए पट मार रहे हैं और ये देखिए छू के कट गए। बढ़िया पेच लड़ा रहे हैं हमारे पप्पी भाई, शानदार ये पेच काटा है। आइए दोस्तों सौरभ का पेच देखते हैं, और नीचे से पेच ले रहे हैं देखिए राइट साइड वाली। चलिए रखा गद्दा बाहर को दिखाया सौरभ ने, 8 गद्दे मारे हैं सौरभ ने बिना कटे, बड़ी बात यह है। चलिए बाहर को तेज खींचा है, उन्होंने गद्दा रखा, बहुत तेज गद्दा, नवा गद्दा बिना कटे, शानदार पेच काट के अब फिर से चांस देंगे। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं, ऊपर से बढ़ते हुए हमारे पप्पी भाई, देखते हैं क्या ये करने वाले हैं। कुल मिला के 13 से 14 पर्चे हैं अभी बाहुबली के पास, और इसके बाद से तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ये दिल्ली के लिए। बाहुबली ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, जितने भी प्लेयर हैं, और सौरभ ने जो आज काम किया है 9 गद्दे मारे हैं रोक रोक के और चांस देते गए अपने टीम को, और बढ़िया पेच काटते हुए। चलिए समीर भाई का पेच देखते हैं दूसरा, नीचे की तरफ से जाते हुए समीर भाई, और पप्पी भाई की पतंग देखिए उतार के काफ़ी ज़्यादा लेके आए हैं, लगभग 150 रेंज में दूरी है एक दूसरे की पतंगों में, 100 मीटर कम से कम आगे है हमारे समीर भाई की पतंग बिल्कुल हाथ पे उतरते हुए, देखिए कहाँ ज़मीन है बस यहीं पे इनकी पतंग है, देखते हैं क्या होता है। और हाथ पे उतारते हुए थोड़ा सा दिल्ली में जो ये गेम होता है ये समझ से परे, हालांकि परदे से कुछ भी कर सकता है कोई भी खिलाड़ी। चलिए देखना है क्या होता है, गद्दा बचा पाएंगे, बाहर की तरफ तेज़ी खींचते चले जा रहे हैं, और ये देखिए वहाँ पर पतंग रोक के बस ठुनठुना दिया जिसे कहते हैं, और उनका हल्का हल्का झोल कट गया। शानदार ये पेच काट के रोका है हमारे पप्पी भाई ने। बिना कटे अभी तक गद्दे मार के चांस देते हुए हमारे सौरभ लगातार 9 पतंग काट चुके हैं, यानी लगातार का मतलब रोक रोक के चांस देते जा रहे हैं अपनी टीम को, और टीम ने भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। अब तक 14 टिकट, लगभग 13 टिकट हैं, एक बार फिर से चांस लेने जा रहे हैं। 10वां पेच होगा अगर ये काटते हैं, मिट्टी लगाते हुए सामने हैं पप्पी भाई, चलिए देखते हैं क्या होता है। सही करा लिया है, छोटे पेच लड़ा रहे हैं हमारे पप्पी भाई, और ऊंचा करके आते हुए बाहर की तरफ राइट साइड वाली पतंग देखिए, राइट साइड वाली पतंग देखिए पप्पी भाई की, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए। चलिए गद्दा दिखाया उन्होंने, अंदर की तरफ खींच रहे, और इस बार उन्होंने भी थपकियों पे रख लिया था, भारी पतंग थी, भारी पतंग के अगेंस्ट में थोड़ा सा हवा टूट गई थी, और इस बार कटे हैं जाके, और ये देखिए उनकी भी पतंग चली गई जैसे ही खींच रहे थे, थपकी तो चली रही थी, आवाज़ आपको आई होगी छन 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 सौरभ की, बढ़िया पेच काटा है पप्पी भाई ने। आइए दोस्तों पप्पी भाई का एक और पेच देखते हैं,
नीचे से रवि हैं लेफ्ट साइड वाली और ऊपर से पप्पी भाई हैं। तेज हाथों से चलते हैं रवि, तेज तेज पतंग को कम करा लेते हैं और पप्पी भाई की ही तरह रवि भी लड़ाते हैं। जल्दी से हाथों पे देखिए और उतरते आ रहे हैं पप्पी भाई। पेज की रेंज हो गई है 300 मीटर, कम होती ही चली जा रही है। रवि अंदर की तरफ चढ़ते चले जा रहे हैं और अंदर की तरफ चढ़ते चले जा रहे हैं और अंदर लेके आ रहे हैं। अब पप्पी भाई बाहर की तरफ निकालते हुए, लेकिन पप्पी भाई की पतंग मीडियम से भी ज़्यादा भारी है ये समझना होगा। चलिए नीचे की तरफ लाते हुए चेहरे की तरफ अब पप्पी भाई बढ़ते हुए, क्या होना है रक्षा। और अंदर की तरफ जगह घेरते हुए, ये जहाँ तो से जगह घेरते हुए, चलिए बहुत बढ़िया, पूरी ताकत से खींचते चले जा रहे हैं और बढ़िया पेच काटा है थपक के आखिरी में हमारे पप्पी भाई ने। चपटा खींचा तो था लेकिन मैंने कहा कि मीडियम से भी ज़्यादा भारी पतंग है और अच्छा पेच काट दिया है यहाँ पे पप्पी भाई ने। आइए दोस्तों, अमित भाई पेच ले रहे हैं और नीचे से हमारे हम तुम के सही बोल दिया है। चलिए चलिए बीचों बीच रखा है अमित भाई ने, बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, वो अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। नदीम भाई हमारे, नदीम भाई ये हैं हमारे हम तुम के, अज़र नदीम वाले नदीम नहीं है ये, लेकिन ये भी ख़तरनाक, दिल्ली का गेम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। चलिए ये ले जा के रखा, उन्होंने पट किया और ले जा के रखा, बाहर को चपटा खींच रहे हैं। ये गद्दा मारा है अब तो यहाँ कमज़ोर पड़ जाएंगे अमित भाई, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है मेरे भाई। बढ़िया नदीम भाई ने ये पेच काटा है, पूरी ताकत से बाहर ही खींच लिया। आइए दोस्तों, तुरंत नदीम भाई से पेच लड़ाने आ रहे हैं सौरभ। चलिए देखते हैं, सौरभ का गद्दा आज नदीम भाई पे खूब उतरा है। चलिए देखते हैं, आप राइट साइड वाली पतंग देखिए नदीम भाई की है और लेफ्ट साइड ऊपर वाली पतंग देखिए सौरभ की। चलिए और क्लोज कर देता हूँ, पेच की रेंज है लगभग 450 मीटर। चलिए धीरे धीरे करके अंदर की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है अंदर की तरफ सौरभ उतरते हुए तेज हाथों से उतार रहे हैं पतंग को। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए सौरभ की, उन्होंने भी बाहर किया और रखा, चलिए करीब किया, खींच रहे हैं। ओए हाय, कोई झटका काम नहीं आया, बढ़िया रोक के अंदर खींचा है तुरंत नदीम भाई ने, शानदार ये पेच काटते हुए नदीम भाई दिल्ली के हम तुम के क्लब से। आइए दोस्तों, नदीम भाई का एक बार फिर से पेच देखते हैं, बढ़िया पेच काटते हुए नदीम भाई। और ऊपर वाली पतंग देखिए जो लेफ्ट साइड आपको दिख रही है, ये हमारे फरहान भाई की है, देखते हैं क्या होता है। बाहर की तरफ निकालते हुए फरहान भाई ऊंचा करते हुए पतंग को, अब चलिए फिर से पेच की तरफ फेर रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, उनको अंदर आना होगा। ये देखिए अंदर आए नदीम भाई की पतंग देखिए, चलिए देखते हैं, बढ़िया व्यू, अच्छी पतंगें दिख रही है, काला आसमान दिख रहा है। चलिए पतंग को थोड़ा सा कम करते हुए फरहान भाई अंदर की तरफ लाते हुए, तब भी पेच की रेंज अभी 350 से 400 मीटर के करीब है, बिल्कुल हाथ की तरफ बढ़ रहे, वो जल्दी से पतंग को बाहर की तरफ कर रहे हैं, लगातार हाथ की तरफ बढ़ते चले जा रहे। चलिए अब मुड्ढा मोड़ा, बाहर को गद्दा दिखाया, तेज पतंग चलाई, करीब करते हुए जा रहे हैं, करीब कर रहे हैं पतंग को, उन्होंने करीब किया और करीब किया, वो चक्कर दे रहे हैं, बाहर को तेज खींचा है। और ये देखिए उस्तादों वाला पेच काट दिया है, बढ़िया फरहान भाई, क्या बात है। आइए दोस्तों, ये पेच देखते हैं गोलू भाई का, आज गोलू भाई ने बहुत अच्छे पेच काटे हैं, थोड़ा पट करके बुलाया जा रहा है। ऊपर से हमारे पप्पी भाई, आज मुझे लग रहा है कि हर दूसरा पेच पप्पी भाई ले रहे हैं, मतलब कई बार तो ऐसा हुआ लगातार चार चार पतंगे पप्पी भाई ने लड़ाई। चलिए कम कराते हुए, यही करने लगते हैं पप्पी भाई कहीं ना कहीं, ठीक है टिकट बचाने हैं, परदेश का गेम है तो कुछ भी कर सकता है खिलाड़ी। थोड़ी सी पतंग इनकी अंदर को है देखिए, हालांकि ऊपर का मायने नहीं रखता, अगर आप ऊपर से आ रहे हैं तो, यही पतंग अगर नीचे होती और अंदर गिर रही होती तो इसे हटा दी जाती, ऊपर से बुलाया जाता। देखिए उतारते हुए चले जा रहे हैं, देखिए 450 साढ़े 400 पे ये पेच फिरा था, अब यहाँ पे आ चुकी है पतंग इनकी, यानी लगभग 300 के करीब आ गई है ये पतंग। और गोली भाई की पतंग देखिए यहाँ पे है देखिए और कम करते चले जा रहे हैं, गोलू भाई की पतंग आपको दिख रही होगी लेफ्ट साइड की तरफ, देखिए गोलू भाई की पतंग है, और कम करते हुए चलिए झोल की तरफ रखते हुए
देखिए गद्दा बनाया अंदर की तरफ लेके जाते हुए, एक पतंग आगे उड़ रही है कहीं, चलिए झोल पे रखा है, अब तपतपाएंगे, देखिए तपतपाए और वो देखिए तेज खींच दिया है, खड़ा खड़ा खींच दिया अंदर को, बढ़िया पेच काटा है गोलू उस्ताद ने। आए दोस्तों दुर्गेश पेच लेने आए नीचे की तरफ से, और ऊपर से हमारे रेहान भाई हैं हम तुमसे, देखिए रेहान भाई यहाँ पे हैं, आइए अंदर की तरफ से उतरते हुए, ऊपर वाली पतंग देखिए राइट साइड जो चक्कर रखा रही है अब ऊपर खींच रहे हैं, सही है दोनों सही बोल दिया। पेज की रेंज है 350 मीटर, हवा बहुत अच्छी एकदम मीठी हवा कहते हैं इसे, 11-10 ऐसे पछियाव चल रहा है, बहुत प्यारी हवा, बहुत प्यारा मौसम। चलिए बाहर की हल्के हाथों से बाहर निकालते हुए, चलिए रेहान भाई अब ऊपर से नीचे रखते हुए पतंग को, अभी भी लगभग 13 से 14 पर्चे बाहुबली के पास, सीधा ऊंचा मुड्ढा दिया है उन्होंने, गद्दा चला है, और ये देखिए जब तक पट मारते तब तक गद्दा उतर चुका था, आखिरी में एक आध झटके मार दिए, शानदार ये हल्का झोल काटा है हमारे रेहान भाई ने, वो देखिए छमा भाई के साथ हमारे छमा भाई मुस्कुराते हुए। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं, नीचे की तरफ से फिर से बड़े हुए हैं, बढ़िया इससे पहले दुर्गेश को काटा था हमारे रेहान भाई ने, देखना पड़ेगा ऊपर से कौन है। आइए बाहर की तरफ दिखाते हुए बाहुबली के मेंबर, वो अंदर की तरफ खींच रहे हैं, पूरा गद्दा उतारते चले जा रहे हैं, थपक रहे हैं, और ये देखिए थपक के खुद ही कहीं ना कहीं कटवा लिए हैं हमारे बाहुबली के मेंबर, देखना पड़ेगा कौन है। चलिए आइए दोस्तों अगले पेज को देखते हैं, प्रशांत भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली है, अंदर की तरफ से फिर से रेहान भाई चलते हुए जल्दी जल्दी पर्चे वापस करते हुए, 14-15 पर्चे थे अब 2-3 पर्चे चले गए हैं, चलिए तेज खींचा है, और ये देखिए उस्तादों की तरह, पता नहीं क्यों रेहान भाई ने रोक ली पतंग, पूरी जान लगा के खींच देते, मेरे ख्याल से उन्होंने पतंग को चक्कर दे रहे थे, उनको लगा कहीं कट ना जाए इसीलिए रोका, और ये देखिए पतंग लटक गई है ये देखिए पतंग लटकी हुई है उसी पे, ये देखिए पतंग लटकी हुई है, पतंग लिपटी हुई है, तेज खींचा है और अभी भी लिपटी है और ये गई आखिर में, पट मारना था लेकिन पहले पट में नहीं गई थी, खैर प्रशांत भाई ने ये बढ़िया पेच काटा। और रेहान भाई देखिए पतंग हमारी पकड़े हुए है, रेहान भाई आप ही की टीम है, क्या बात है, एक हमारे ताज भाई भी हैं, ताज भाई माशाल्लाह हमारे बहुत ही अच्छी टेपिंग करते हैं, वो बिल्कुल अच्छा उस्ताद हैं, वो तो उस्ताद है, सही किसी काम में लगे हुए इस बार आने पाए कोई, अच्छा वाह वाह, वही मुझे अचानक से बिल्कुल टेपिंग देख के याद आ गए, और रेहान भाई ने भी शानदार टेपिंग की है, वाह रेहान भाई आपका कोई जवाब नहीं, क्षमा भाई है हमारे साथ देखिए आराम से बैठे हुए इत्मीनान से पेज देख रहे, कैसे हुए आज के पेज, मजा आया बहुत अच्छे, बहुत मजा बांधा, बहुत अच्छी, कोई दिक्कत कोई कहानी सुनी कहा सुनी, बहुत पसंद आया मैदान, पसंद आया जी, गेम पसंद आया, हमारे वाह वाह बहुत अच्छे, मजा आया आपकी टीम से गेम बढ़ाने, अपनी जगह है जी जी जी, कोई मतलब नहीं कौन जीता कौन हारा, शौक होना चाहिए, क्यों पप्पी भाई आपको कैसा लगा, आपके लड़के बहुत अच्छे लड़ा रहे हैं माशाल्लाह, जो बात है जी हमें बहुत अच्छा लगा, आपके लड़कों से लड़ाते हैं, कोई ऐसा गलत बिहेवियर कुछ ऐसा कोई जो कहा सुनी, कोई बिल्कुल अच्छा गेम लड़ रहा है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी क्लब बहुत अच्छी है माशाल्लाह, थैंक यू, एक गेम आपसे इंशाल्लाह पक्का जब भी लखनऊ आऊंगा, जरूर आइए आपका तो स्वागत है ही है, आपकी टीम से और आपसे बहुत बढ़िया, और ये देखिए बाकी सारे मेंबर हैं हमारे, बाहुबली का सुना था हमने माशाल्लाह, आज बाहुबली ने बहुत अच्छा गेम लड़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, रेहान भाई को कैसा लगा, रेहान भाई से पूछते हैं, महबूब भाई भी हैं खड़े, शब्बू भाई भी खड़े, शब्बू भाई भी हमारे खड़े हैं, ये देखिए मजा आया कुल मिला के, आपने लड़ाया आज मैं देख रहा था आप लोग का गेम बहुत अच्छा था, चलिए चलिए कोशिश करता हूँ मैं आखिरी की कुछ पेच लड़ा लूंगा, अरे नहीं भैया। आए दोस्तों हमारे नदीम भाई पेच ले रहे हैं नीचे की तरफ से, ऊपर से समीर भाई, दोनों की पतंग तौखियाला, और आसमान देखिए कितना
एकदम काला भयानक दिखता हुआ, लेकिन उससे अच्छा ये है कि पेच आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। लगभग 60-70 पतंगे लड़ गई, जिसमें से मैं कोशिश कर रहा हूँ 30-40 पेच के करीब दिखाऊँ। चलिए अभी लगातार समीर भाई पतंग ऊपर रखे हुए नीचे नहीं कर रहे हैं। चलिए अब जैसे ही मैंने कहा पतंग नीचे आती हुई, समीर भाई की पतंग देखिए बाहुबली से लेफ्ट साइड वाली चक्कर दे रहे हैं, बाहर को निकाल रहे हैं। आइए दोस्तों पेच लड़ाने की कोशिश करें, समीर भाई थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, ऐसा हमारे नदीम भाई कहते हुए। चलिए देखते हैं, नीचे का मुड्डा लाते हुए अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं अब। चलिए अब लेके आए मुड्डा नीचे, दिखाया नदीम भाई ने बाहर, उन्होंने भी गद्दा दिखाया। चलिए पूरी जान लगा के खींचा, बहुत अच्छा पेच काटा है। जब भी आप प्लेयर को गुस्सा दिलाएंगे तो वो गुस्से में ही खींचेगा, और शानदार ये गुस्सा दिखाया है हमारे नदीम भाई ने, बाहर चपटा खींच ले गए समीर भाई को। दोस्तों एक और जानकारी देते हैं, हमारे महबूब भाई की काई शॉप भी है, और पूछते हैं क्या है एड्रेस और कहां पड़ती है आपकी काई शॉप महबूब भाई? मेरी बल्लीमान में पड़ती है। बल्ली महान ये कहाँ पड़ता है? चांदनी चौक में, कुल मिला के एड्रेस है बल्ली महान, और दिल्ली में है इनकी शॉप। वैसे क्या आप हर जगह सेंड कर देते हैं, मतलब भेज देते हैं बाहर भी? क्या नंबर है? 9211634747। तो ये हमारे महबूब भाई है, क्या नाम से है शॉप आपकी? महबूब काइट सेंटर है इनका। दोस्तों दिल्ली में जितने मेरे भाई हों देखते रहे हमारे महबूब भाई, और ये देखिए ये महबूब भाई का अपना भी पर्सनल ब्लॉग भी है, और यूं करके दिखाइए। हाँ जी ये देखिए, ये देखिए क्या बात है, तो काफी अच्छा खासा यानी इनका नाम भी है। बहुत देर हो गई बेटा, बहुत देर हो गई। ये देखिए पीछे ये आवाज आई है, बाहुबली के एक और मेंबर ने काटा है पेच। तो ये हमारे महबूब भाई है दोस्तों, नंबर बोल ही दिया, चांदनी चौक में इनकी शॉप है, जरूर इनसे संपर्क करें। इधर पेच देखिए, लेफ्ट साइड वाले फरहान भाई की तेज खींच रहे हैं, करना काटना चाह रहे थे, लेकिन ये देखिए कटेंगे कि नहीं। नहीं, फिर से अंदर की तरफ बढ़ते हुए हमारे लड़ा रहे हैं हमारे शबू भाई दिल्ली, हम तुमसे लड़ाते हैं। आइए कोशिश करते हो एक बार फिर से, पेच की रेंज 300 मीटर से के करीब, 300 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है। चलिए अंदर की तरफ आते हुए फरहान भाई भी पतंग को चमका के ऊपर का ऊंचा उठाते चले जा रहे हैं, मेरे जस्ट बगल में खड़े हैं हमारे शबू भाई। चलिए चक्कर दिया, वो नीचे पट कर रहे, थोड़ा सा बाहर निकाला शबू भाई ने, इन्होंने गद्दा मारा, थोड़ा सा गद्दा मार के नीचे किया, करीब किया है, उन्होंने अंदर खींचा, शबू भाई डोर के पास लेके आते हुए उन्होंने पतंग को चलाया अंदर की तरफ, तेज खींच रहे थे जब तक इनका गद्दा उतर गया। बहुत अच्छा हमारे शबू भाई ने ये पेच काटा है, ये देखिए शबू भाई। आइए दोस्तों इस बार यश ऊपर से पेच लेने आए हैं, आज थोड़ा सा यश का हाथ उतना खास नहीं चला है, लेकिन टीम ने आज बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो फरहान भाई हों, चाहे गोलू भाई हों, दुर्गेश हों, सौरभ के तो क्या ही कहने, आज सौरभ को सारा का सारा श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने ही गद्दे मार के दिए। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, बाहर को गद्दा दिखाया, उन्होंने पट किया हमारे पप्पी भाई ने, पप्पी भाई मुझे लगता है इस वक्त तक 25-30 पतंग लड़ा चुके होंगे। चलिए अंदर की तरफ उतारते हुए थोड़ा सा डाउन किया है यहाँ पे पप्पी भाई ने, थोड़ा बाहर निकाला, यश भी जगह पे आते हुए बीचों बीच रख रखा है, पूरी ताकत से खींचते चले जा रहे हैं, पूरी ताकत से करते जा रहे हैं, और झोल कटने वाला है यहाँ पे। ये देखिए झोल काटा है यहाँ पे हमारे पप्पी भाई ने, यही सब समझना है अभी, थोड़ा सा यश यहाँ समझ नहीं पाए इस बार। आइए दोस्तों ये पेज देखते, ऊपर से प्रशांत भाई फेरते हुए, नीचे से हमारे पप्पी भाई। चलिए इससे पहले बढ़िया झोल काट दिया था पप्पी भाई ने यश का, चलिए ये रखा प्रशांत भाई ने, थोड़ा सा अंदर की तरफ जगह बनाते हुए हटाई पतंग, प्रशांत भाई ने तेज हाथों से पतंग को ऊंचा करते चले जा रहे हैं। और ये देखिए चक्कर देके प्रशांत भाई थोड़ा सा बाहर निकालते हुए फिर चक्कर देके नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, चेहरे की तरफ बढ़ते हुए ये कोनी कराते चले जा रहे हैं। अब देखना है एक पतंग सामने भी, हालांकि वो दूर है। चलिए देखते हैं हटाई पतंग,
वो देखिए वो पेज फेरने लगा, वो देखिए सामने वाला पेज फेर रहा है, देखिएगा पपी भाई पेज हटाइए वो। चलिए यहाँ से हमें भी चिल्लाना पड़ता है कभी कभी, वो बच्चे हैं शाम का टाइम है। चलिए ऊंचा करते हुए, प्रशांत भाई भी पतंग को ऊंचा कर रखे हैं, अभी पेच नहीं फेर रहे हैं। चलिए ठीक है, चक्कर दिया प्रशांत भाई ने। ये देखिए लेफ्ट साइड वाली जो पतंग आपको दिख रही है, ये ऊपर से है बाहुबली। इस समय तक मैं बता दूं 5:30 से ज़्यादा हो रहा है और 8 टिकट है मेरे ख्याल से, 8 या 9 टिकट होंगे कुल मिला के। पपी भाई ने अच्छा पेच लड़ा दिया है इससे पहले। चलिए चलिए देखते हैं झोल काटेंगे क्या, नहीं रोकी पतंग, लेकिन उसके लिए प्रशांत भाई भी तैयार हैं, आइए झोल काटिए। चलिए ठीक है, रखा लादा बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, पपी भाई अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, अंदर की तरफ तेल लेके जा रहे हैं, अब पूरा खींचेंगे नहीं रुकेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए बढ़िया पेज काटा है पपी भाई ने, टिकट हो गए हैं 7। और वो देखिए सामने वाला जो पतंग लिपटा रहा है, देखते हैं चिमटा पाता है कि नहीं। वो देखिए कट गया ये क्या कर रहा था वो। आइए दोस्तों पेज सही हो चुका है, सौरभ की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली है और नीचे से महबूब भाई पेज को फेरते हुए देखते हैं अंदर की तरफ बढ़ते हुए। इस समय तक 8 या 7 टिकट है, ये लगभग मेरे ख्याल से आखिरी के कुछ पेज चल रहे हैं और सौरभ ने आज बहुत कमाल के पेज काटे हैं, टीम को जिताने में अहम रोल निभाया है सौरभ ने, लगातार रोक रोक के 9-10 गद्दे मारे। चलिए करीब करते हुए सौरभ फिर अंदर लेके जा रहे हैं, वो भी थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं, अब देखना होगा। रुकी पतंग, पतंग को भर्रा दे दे के महबूब भाई लड़ा रहे हैं आज। महबूब भाई के भी आज उतना खास दिन नहीं रहा है। चलिए देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ लाते हुए सौरभ की पतंग उल्टे हाथ की तरफ, देखिए लेफ्ट साइड वाली है। चलिए रखा बीचों बीच रख दिया है, बाहर की तरफ दिखाया, उन्होंने अंदर की तरफ दिखा रहे हैं, पूरी ताकत से मारते चले जा रहे हैं और बढ़िया गद्दा मार के पतंग को उठा भी लाए हैं, बढ़िया पेच काटा है, टिकट हो गए हैं 8 अब बाहुबली के पास। तो अपडेट आखिरी दे दूं, ये टीम जो है जीत चुकी है बाहुबली, 8 टिकट से गेम जीत रखी है, ये पूरी बाहुबली की टीम को बधाई इनको कमेंट्री बहुत पसंद आई हमारे भैया को। और ये है हमारे हम तुम की टीम, इन्होंने भी बहुत अच्छा खेल दिखाया, एक से एक पेच दिखाए हमारे, चाहे वो पप्पी भाई और रेहान भाई हो, हमारे शब्बू भाई हो, उधर महबूब भाई हैं, शम्मा भाई की ये टीम हम तुम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी और बढ़िया मैच हुआ, बढ़िया मैच हुआ।